Okay guys, आज का जो हमारा टॉपिक है that is regarding protection of plant varieties and farmers right act 2001 इंडिया. ये जो एक्ट है ये इंडिया के अंदर जो प्लांट ब्रीडर्स राइट्स हैं और जो प्लांट वैराइटीज को प्रिजर्व करने के राइट्स हैं उनके मुतालिक है. तो आज इसका थोड़ा सा हम ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर इट्स सेलिएंट फीचर्स एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, हम सिर्फ उनके मुतालिक पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पर्पस क्या था. पहली बात तो ये है कि जैसे आप लोगों को आइडिया होगा, पता होगा कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रिप्स के नाम से, TRIPS. सो उसके अंदर कुछ रूल्स सेट किए गए थे. वो ये कि जितने भी कंट्रीज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को उसके मेंबर्स हैं वो सारे कंट्रीज जहाँ वो ट्रिप्स जो एक इधर आगे बताया भी गया होगा होपफुली इसके अंदर, यस ये आ गया. सो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके मुताबिक उनके लिए लाजमी है कि वो जितनी भी प्लांट वराइटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करें अपने कंट्री के अंदर. सो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इसके अलावा उन वराइटीज को प्रोटेक्ट करें, प्लस जिन्होंने वो वराइटीज डेवलप की हैं उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए. सो इस मकसद के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया था 2001 में इंडिया के अंदर. इसके पैरेलल जो पाकिस्तान के अंदर राइट्स हैं वो है नंबर वन सीड एक्ट 1976 का और उसके साथ प्लांट ब्रीडर्स राइट 2016 का. सो इंडिया ने 2001 में ये अडॉप्ट कर लिया था और पाकिस्तान ने 2016 के अंदर आके इसको अडॉप्ट किया है. चले सो हम थोड़ा सा पहले इसकी जो प्लांट वैराइटी प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी थोड़ी बात करते हैं. सो इसके पर्पस क्या थे, इसके दो मेन पर्पस है. नंबर वन के जो प्लांट वैराइटी किसी ब्रीडर ने बनाई है वो उसकी लीगल प्रॉपर्टी है. सो उस प्रॉपर्टी अब जो भी किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी हो जो लॉज है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं. सो उसके लिए ये लॉ बनाया गया कि वो जो प्लांट ब्रीडर की वैराइटी उसकी जो अपना उसकी लीगल उसकी जो एक प्लांट ब्रीडर है उसकी जो लीगल प्रॉपर्टी है प्लांट वैराइटी उसको प्रोटेक्ट किया जाए. सो पहला ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्शन ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटी. नंबर टू, अब उसने जो वैराइटी बना ली वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है प्लांट ब्रीडर की. सो प्लांट ब्रीडर राइट्स के नाम से उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है वो भी उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए और वो जो रजिस्टर्ड वैराइटी है वो उसी ब्रीडर के नाम से सेल हो और उसकी रॉयल्टीज ब्रीडर को मिले प्रॉपर और उसको एक्नॉलेज किया जाए. सो ये दो मेन इसका पर्पस थे. अच्छा अब ये तो था प्लांट वैराइटी प्रोटेक्शन. अब इसके साथ इसका दूसरा पार्ट है दैट इज फार्मर्स राइट. सो फार्मर्स राइट एक्चुअली क्या है कि जो प्लांट ब्रीडर के पास फैसिलिटी है कि वो अपने वैराइटी को डेवलप करके उसको रजिस्टर्ड करवा सकता है. सो यही उन्होंने न्यू वैराइटी जो कोई फार्मर बना लेता है उसको भी वो भी रजिस्टर्ड करवा सके, उसको भी इसके रजिस्ट्रेशन का राइट मिल सके. नंबर वन पहला इसका जो फार्मर्स राइट है उसका ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये है या कह लें उसका पहला फंक्शन ये है. उसके बाद आई थी कि जो फार्मर्स वैराइटी है वो अंडर क्लास एच सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 18 ऑफ दिस एक्ट उसके अकॉर्डिंग वो अपनी वैराइटी को रजिस्टर्ड करवा सकता है. फार्मर जो है जो जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई लैंड रेसिस है या कोई वाइल्ड रियलिटीज है उसके एरिया के अंदर, तो उस पर जब वो कंजर्व करेगा तो उसको रिकग्नाइज किया जाएगा कि इसने ये कंजर्व किया है, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और उसको रिवार्ड भी मिलेगा जीन फंड से. जीन फंड एक आप कह लें कि मोनिट्री फंड डेवलप किया गया है इंडिया के अंदर. सो जहाँ से उसको कुछ पैसे मिलेंगे कुछ उसको रिवार्ड के तौर पर मिलेगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक हो गया. लेकिन ये बात लाजमी जहन में होनी चाहिए कि जो भी उसने जेनेटिक रिसोर्सेज की बात की है वो रजिस्टर्ड ना हुआ हो. ये ना प्रिजर्व हैज बीन यूज्ड एज डोनर ऑफ जीन्स, हाँ यस, वो जो उसने कंजर्व किया है वो किसी दूसरी वैरायटी बनाने के लिए यूज भी किया गया हो.
ठीक है ना, उसने उसमें से कोई जीन्स को लेके तो कोई वैरायटी बनाई भी गई हो, उस मटेरियल को कंजर्व करने के उसको रिवार्ड भी मिलेगा और रिकॉग्निशन भी मिलेगी। थर्ड जो फोर्थ फार्मर के लिए बेनिफिट है कि वो अपना जो उसके पास सीड है उसको सेव भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है, सो भी कर सकता है, रीसो भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। ये टोटल मिला के कुल उसके पास 9 डिफरेंट जो उसको राइट्स हैं वो दिए गए हैं इस लॉ के अंदर। ओके जी, अब उसको जो भी सीड है, जो सीड या फार्मर जिसको सेल कर सकता है उसको ब्रांडेड सीड के तौर पे सेल करेगा। ब्रांडेड सील का मतलब बेसिकली है कि जो उसने पैक किया हुआ किसी पैकेज के अंदर और उसके ऊपर लेबल भी लगाया हुआ। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या थे, अब इन ये दोनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, इनके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो पहला ऑब्जेक्टिव है स्टिमुलेट द इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक हो गया जी। नंबर टू सेकंड इसका है टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द सीड इंडस्ट्री, और नंबर थ्री जो फार्मर्स का रोल है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। सो थर्ड उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। ऑलराइट, उसके बाद अभी प्लांट राइट प्रोटेक्शन एक्ट ये क्यों इनिशिएट किया गया। एक्चुअली ये सुई जेनरस सिस्टम है। सुई जेनरस सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है कि जो प्रोटेक्ट करे किसी भी ऑटोमेटिकली लॉ के अंदर उसको राइट मिले और वो प्रोटेक्ट करे, ऐसा सिस्टम जो कि प्रोटेक्ट कर सके किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को या किसी भी इंडिविजुअल की किसी प्रॉपर्टी को, ठीक हो गया। सो ये इसका ये जो सिस्टम है ये डेवलप करना लाजमी था, ट्रिप्स जो एक एग्रीमेंट था उसके मुताबिक। ठीक है जी, और ये सुई जेनरस का बेसिकली मतलब है यूनिक। सो ये एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है प्लांट ब्रीडर्स को और फार्मर्स को, और सेकंड ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट वैराइटीज को, जैसे कि ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड क्यों थी, इसके मतलब हमने पहले ही बात कर ली कि जो ट्रिप्स एक एग्रीमेंट था वो WTO के जो मेम्बर्स हैं उनके लिए लाजमी था कि वो इफेक्टिव सिस्टम बनाए ताकि प्लांट वैराइटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो ट्रिप्स एग्रीमेंट था उसका आर्टिकल 27 सबसेक्शन 3 जो है उसके अकॉर्डिंग जो वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि 9 राइट्स आर गिवन टू फार्मर्स अंडर द एक्ट, इंक्लूडिंग द राइट टू सेव, एक्सचेंज, सेल, प्रोपगेट, रजिस्टर वैराइटीज, रिकॉग्नाइज, रिवार्ड फॉर कंजर्वेशन, बेनिफिट शेयरिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, compensation for failure of variety to perform, availability of seed of registered varieties, free services for registration, conducting test of varieties, legal claims under the act and protection from infringement. ठीक है जी, सो ये वो आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे लॉज जो है वो डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर। अब प्लांट वैरायटी क्या है, प्लांट वैरायटी बेसिकली इज अ प्लांट ग्रुपिंग विद इन अ सिंगल बोटेनिकल टैक्सॉन ऑफ द लोएस्ट नोन रैंक। जैसे एक स्पीशीज है, सो स्पीशीज से जो लोअर रैंक है वो वैरायटी होता है, एक्चुअली विद इन स्पीशी वैरायटी होती है, और वैरायटी जो है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक हो गया जी। अलग अच्छा जी, अब एक वैरायटी की उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या रिक्वायर्ड है। क्राइटेरिया एक्चुअली रिक्वायर्ड है कि वो प्लांट वैरायटी जो है वो दैट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म एंड स्टेबल, इसको कहते हैं DUS 10। सो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसे करेक्टरिस्टिक होना चाहिए जो दूसरी वैरायटी से डिफरेंट है। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि होमोजीनस होनी चाहिए। नंबर वन स्टेबल होनी चाहिए, दैट मीन्स कहते हैं उसको एक या दो कंटिन्यूस ईयर्स के अंदर या कंटिन्यूस साइकिल्स के अंदर लगाया जाए तो प्रोडक्शन सेम दे, इसके अलावा उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर भी लगाया जाए तब भी वहाँ पे मोर और लेस प्रोडक्शन वो सेम दे, दैट विल बी नोन एज स्टेबल वैरायटी। अब कौन जो है वो प्लांट वैरायटी को रजिस्टर्ड करने के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर वन ऐसा पर्सन जो कि ब्रीडर है, नंबर टू जो ब्रीडर का सक्सेसर है, सक्सेसर से बाद उस ब्रीडर का जो सबऑर्डिनेट है वो, नंबर तीन एनी असाइनी जिसको ब्रीडर ने असाइन किया हो दिस वन, और इसके अलावा कोई भी फार्मर या फार्मर का ग्रुप हो, और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज्ड हो ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स, और नंबर थ्री एनी यूनिवर्सिटी और पब्लिक फंडेड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स। ये सारे जो एक दो तीन चार पाँच छः के छः जो हैं दे कैन रजिस्टर फॉर एनी प्लांट वैरायटी।
अब इंडिया के अंदर ये जो एप्लीकेशन है ये आपने कहाँ पे फॉरवर्ड करनी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वैरायटी? द इंस्टीट्यूट नेम इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, ये न्यू दिल्ली के अंदर है इंडिया के अंदर। और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड करनी है तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसके उस डिपार्टमेंट के अंदर आप, उसका मेन है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। सो अगर आप पाकिस्तान के अंदर वैरायटी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप फेडरल सी सर्टिफिकेशन को एप्लीकेशन देंगे, और अगर इंडिया में करवाना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी इंडिया के अंदर आप एप्लीकेशन देंगे। प्री रिक्विजिट क्या है जब भी आपने कोई एप्लीकेशन देनी है? नंबर वन, डिनोमिनेशन असाइन करनी चाहिए उस वैरायटी को। आप उस वैरायटी को कोई अपनी तरह से कोई नाम देंगे, कोई नेम देंगे कि इस वैरायटी का ये नेम होगा। नंबर टू, एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई भी ऐसा जीन इन्वॉल्व नहीं है जिसमें टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी हो। एक्चुअली टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि आपने सीड फार्मर को दिया, फार्मर ने पहली दफा सीड को सो किया, सो करने के बाद उससे तो उसकी स्वयं से जो उसका प्रोडक्शन आएगी ना, उसमें जो सीड होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी क्या करती है कि उसकी फर्टिलिटी को एक साल के बाद खत्म कर देती है। दैट मीन्स के फार्मर को हर साल नया बीज लेना पड़ेगा। सो ऐसी कोई भी वैरायटी जिसमें टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया और इन पाकिस्तान। ओके, नंबर थ्री, कंप्लीट पासपोर्ट डाटा होना चाहिए उसकी पेरेंटल लाइंस का और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन का, कि आपने कहाँ से बोली, कहाँ पे आपने ग्रो की, कहाँ पे आपने कंप्लीट डेवलप किया, पेडिग्री उसकी आपको पता होनी चाहिए कंप्लीट, और उस वैरायटी की करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, प्लस नोवेलिटी और DUS वो लाजमी होना चाहिए, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। और फाइनली आपने ये डिक्लेरेशन देनी है कि ये जो मटेरियल आपने यूज़ किया था ये आपने लॉफुली एक्वायर किया, ऐसा नहीं कि आपने ये कहीं से इलीगली हासिल किया। ओके, अब जो ये कोई भी आप वैरायटी रजिस्टर कराते हो तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको जो कितने साल के लिए प्रोटेक्शन की प्रोटेक्ट किया जा सकता है उस वैरायटी को, ट्रीज या वाइन्स अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो 18 ईयर्स तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, अदर क्रॉप्स हैं तो 15 ईयर्स तक मिलेगी, और एक्सटेंट वैराइटीज हैं तो वो जिस डेट को नोटिफिकेशन हो सीड एक्ट 1966 के तहत तो उससे 15 ईयर्स तक ये आपको ये इसकी प्रोटेक्शन मिलेगी। अच्छा, इंडिया के अंदर जो सीड एक्ट है वो 1966 में आया था, पाकिस्तान के अंदर सीड एक्ट 1976 में आया था। यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर जो सीड एक्ट है वो इंडिया से बाद में आया, जैसे कि प्लांट ब्रीडर्स राइट्स भी पाकिस्तान के अंदर इंडिया से बाद में आया। ओके जी, अब वैरायटी या ब्रीडर्स जो राइट्स हैं उसके मुताबिक एक ब्रीडर को या एक जो ऑनर ऑफ वैरायटी है उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। पहले हमने बात की थी कि जो एक फार्मर है उसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, अब वो ऑनर जिसने वैरायटी डेवलप किया उसको कौन कौन से राइट्स मिलेंगे। वो है, नंबर वन, ही कैन प्रोड्यूस, ही कैन सेल, ही कैन मार्केट, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट, ही कैन इंपोर्ट और ही कैन एक्सपोर्ट दी वैरायटी। सो ये छः की छः उसके पास राइट्स होंगे। दैट्स ऑल, ये आज का लेक्चर था। थैंक यू।